हम इस बार वोट डालने नहीं जाएंगे, इस बार हम किसी को नहीं जाएंगे, हम अपना अधिकार मांगते, हम किसी से भीख नहीं मांगते, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम मतदान करने नहीं जाएंगे, हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम मतदान करने नहीं जाएंगे। प्रयास ये रहना चाहिए कि हर व्यक्ति को अप्रोच करके कि भूमिका आपकी सरकारों को बना के और उनसे फिर काम कराने की, कहीं कोई चूक हो गई होगी तो हम सब उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हैं, और चाहे पक्ष के रहे हों, विपक्ष के कभी रहे हों, आज पक्ष के हैं, काम होंगे, थोड़ा सा समय दीजिए निगम में महापौर। हाँ, मैंने इसीलिए कहा कि ना केवल निगम में, अब वो निगम हमारा, सरकार दूसरी, पर अब तो सरकार भी है, मेरा पिछले से मतलब नहीं रहता, आज से हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि आप चुनाव में भाग लीजिए, कांग्रेस के पक्ष में भाग लीजिए। जो आपने एक संकेत दिया है कि आपको दुख है कि हमारे वार्ड में काम नहीं हुआ, वो संदेश हम लोग तक भी अब पहुंच गया इस माध्यम से, आप विश्वास रखिए कि आपने जो संदेश दिया है आपको निराशा नहीं मिलेगी। सर, हम लोग के पास बहुत दिक्कत है, आवागमन के लिए रोड नहीं है, लाइट नहीं है, ना स्कूल नहीं है, पीने के लिए पानी तक नहीं है, इसीलिए हम लोग, सरकार हमारी कुछ सुनती ही नहीं है, इसलिए हम लोग वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। महापौर आते हैं कभी? जी नहीं, हम लोग आज तक उनको पहचानते तक नहीं, कभी आए ही नहीं हम लोग। आप लोग कभी किसी नेता के पास गए अपनी समस्या लेके? जी, हम लोग सबके पास गए थे, वहाँ गोदरी पारा में विनय जायसवाल जी के पास गए थे, तो हमें अच्छा बोलते हैं 6-7 महीने का टाइम दे, बस यही बस के बोलते हैं। चुनाव का बहिष्कार इसलिए कर रहे भैया कि यहाँ कोई भी किसी प्रकार की सुविधा नहीं है, नगर पालिका निगम चिरमिरी के बावजूद भी आज यहाँ न तो पानी की व्यवस्था है, न तो यहाँ रोड है, न तो बिजली है, और यहाँ मार्केट का सामान हुआ तो वहाँ 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है चिरमिरी, वहाँ से खंधे में ढोकर लेके आना पड़ता है, और बच्चे जो हैं छोटे छोटे उनको स्कूल पढ़ाने के लिए मारिया स्कूल 6 किलोमीटर दूर है, वहाँ से बच्चे लोग करता है, जहाँ जंगल झाड़ी है, जानवर का डर बना रहता है, इसके वजह से हम लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। बराबर है